स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पार्ट 6। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है और आप लोग इसे कैसे ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। कोई भी ऑर्डर फ्लो तभी बनता है जब एक ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। जैसे ये एक डाउन ट्रेंड है, अब ये अप ट्रेंड हो चुका है, तो अब यहाँ पर हमें एक ऑर्डर फ्लो देखने को मिलेगा। अब हमें ये पता करना है कि वो ऑर्डर फ्लो वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए जो इस कैंडल का हाई है, हमें इसे मार्क करना होता है इस तरीके से, और हमें मार्क करना होता है जो इस कैंडल का हाई है वो, इसके बीच में डिफरेंस है या नहीं, आप ये भी देख सकते हो। या बहुत लोग इसे भी फॉलो करते हैं कि इस कैंडल का लो और इस कैंडल के हाई के बीच में अगर डिफरेंस है तो आप इसे भी मान सकते हो। तो हमें यह पता चल गया कि हाँ भाई डिफरेंस है, तो बोल सकते हो कि हाँ ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड कैसे करना होता है। तो गाइस ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज यहाँ से ऊपर गई है और बीच में इतना बड़ा गैप है, तो वो इसे फिल करने के लिए कभी ना कभी नीचे आएगी। तो एक बार नीचे यहाँ आई, हमें एक यहाँ ट्रेड करने का मौका मिला, छोटा सा ट्रेड था पर हमें एक अच्छा खासा मौका मिला। और उसके बाद दोबारा हमें यहीं से एक बार और ट्रेड करने का मौका मिला। तो अगर आप यहाँ इसे शॉर्ट किए होते, तो अगर आप मैं इसे दिखाऊं, तो आपको 185 पॉइंट आपको मिल गए होते। और गाइस ऐसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं।